नाइनटीन्स में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम से बड़ा कोई नाम नहीं था, लेकिन उस वक्त एक ऐसी महिला डॉन थी जिसके हुक्म की नाफरमानी दाऊद इब्राहिम भी नहीं करता था। हम बात कर रहे हैं मुंबई की पहली महिला डॉन जेनाबाई दारूवाली की। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम कभी जेनाबाई दारूवाली के इशारे पर नाचता था। इतना ही नहीं, मुंबई के चर्चित डॉन हाजी मस्तान भी कभी भी जेनाबाई की बातों को मानने से इनकार नहीं करते थे। मशहूर पत्रकार और लेखक हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्विंस ऑफ मुंबई में जेनाबाई के बारे में बताया कि जेनाबाई का जन्म मुसलमान मेमन हलाई परिवार में हुआ था। जेनाबाई का असली नाम जैनब था और वो अपने 6 भाई बहनों में से एक थी। जैनब के पिता सवारी और सामान लाने ले जाने का काम करते थे। मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने वाली जेनाबाई के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। कम उम्र में ही जेनाबाई की शादी हो गई थी। एक तरफ शादी के बाद जेनाबाई के पति ने जेनाबाई का जीवन खराब कर दिया, तो दूसरी तरफ देश में 1947 में देश विभाजन की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में जेनाबाई का पति जेनाबाई और उसके 5 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चला गया और जेनाबाई ने 5 बच्चों के साथ मुंबई में रहकर अपना घर चलाया और यहीं से शुरू होती है जेनाबाई दारूवाली की कहानी। बच्चों के पालन पोषण के लिए जेनाबाई ने पैसे कमाने की राह पकड़ी। जेनाबाई ने सबसे पहले चावल बेचने का काम किया, जिसके बाद वो धीरे धीरे चावल की स्मगलिंग करने लगी। कई दिनों तक चावल के धंधे में हेराफेरी करने के बाद भी जेनाबाई को इस धंधे में नुकसान ही हो रहा था, तो जेनाबाई अवैध शराब के धंधे में उतरी। डोंगरी इलाके में जेनाबाई दारू बनाती थी और दारू बेचती थी। जेनाबाई का ये धंधा काफ़ी चला। धीरे धीरे जेनाबाई दारू के धंधे में इतनी कामयाब हुई कि मुंबई और डोंगरी इलाके पर वो राज करने लगी और इसी धंधे ने जैनब को जेनाबाई दारूवाली की पहचान दे दी। 70 के दशक तक जेनाबाई मुंबई की माफिया क्वीन बन चुकी थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जेनाबाई से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं होता था। हालांकि जेनाबाई की अपनी कोई गैंग नहीं थी, फिर भी जेनाबाई की दहशत इतनी थी कि अंडरवर्ल्ड के सारे चेहरे जेनाबाई को सलाम करते थे। कोई भी जेनाबाई के हुक्म को टाल नहीं पाते थे। माफिया क्वीन जेनाबाई को हाजी मस्तान, वरद राजन, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम मासी कहकर बुलाते थे।